हाँ, इस क्वेश्चन का एक और मेथड देखिए आप लोग, है ना। एक तो ये मेथड मैंने आपको बताया, इसके अलावा एक और मेथड है। ये दोनों मेथड सीखना बहुत कंपलसरी, बहुत जरूरी है। ये दोनों मेथड सीखना पड़ेगा आपको, है ना। आने वाले क्वेश्चंस में हम दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे, क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। दूसरा मेथड वो मेथड है, ये जो सेकंड वाली हमारी मेथड है ना, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम, है ना, ध्यान होगा आपको, है ना। सेकंड वाली मेथड वो मेथड है जहां पे फाइंड क्या करना है वहां से स्टार्ट करते हैं हम। कहां से स्टार्ट होता है दूसरा मेथड, कि निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, वहां से स्टार्ट होता है सेकंड मेथड, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको यह निकालना था कि तीन आदमी और तीन महिलाएं मिलकर कितने टाइम में करेंगे। निकालना क्या है, निकालना क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको यह निकालना था कि तीन आदमी और तीन महिलाएं कितने टाइम में करेंगे। अब आप जानते हो कि समय वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता, आप जानते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो टाइम का वैल्यू बताइए वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा। तो दूसरी मेथड वो मेथड है जहां निकालना क्या है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है, कि तीन आदमी और तीन महिलाएं मिलकर कितने टाइम में करेंगे, क्लियर। तो तीन आदमी और तीन महिलाएं मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो टाइम का वैल्यू कैसे आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्लियर। समझे इतनी सी बात है ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो अब देखिए आंसर लाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो काम करेंगे वो वर्क का वैल्यू और इन लोगों की एफिशिएंसी। इन लोगों को जो काम करना है वो काम का वैल्यू निकालना है हमें, और इन लोगों की क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। कहने का मतलब आंसर लाने के लिए हमें केवल दो चीजें निकालनी है, इन लोगों का काम का वैल्यू, वर्क का वैल्यू, और इन लोगों की एफिशिएंसी। समझ आई बात। तो सबसे पहले वर्क पता करते हैं, वर्क क्या है। अरे भैया इन मजदूरों से काम करवाना है, इन मजदूरों से काम करवाना है, तो काम तो पता हो कौन सा काम है। अरे पता तो होना चाहिए इन मजदूरों को कौन सा काम करना है ना। पता होगा क्या काम करना है तभी तो इनसे काम करवाएंगे ना। तो चलिए अब सबसे पहले पता करते हैं क्या काम करना है। तो सीधी सी बात है, क्या काम करना है ये कहां से पता चलेगा, क्या काम है कहां से पता चलेगा, जहां काम हो रहा होगा, जहां सवाल में काम हो रहा होगा वहीं से तो काम का वैल्यू पता चलेगा। सीधी सी बात है ना, सवाल में जहां काम हो रहा होगा वहीं से तो काम निकलेगा ना। तो अब पढ़ते हैं सवाल कि कहां काम हो रहा है। समझ आई बात। दूसरी मेथड बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मेथड का यूज करने वाला हूं कंटिन्यूअसली, और होमवर्क भी मिलेगा आपको आज की क्लास के बेसिस पर, वो करके लाना है। यदि होमवर्क साथ साथ नहीं किया मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर सिलेक्शन की, रिजल्ट की। समझ आई बात। मैं जो बोल रहा हूं वो करोगे तो रिजल्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता। समझ आई बात, क्लियर। इतना अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, इन मजदूरों से काम करवाना है। अरे भैया इन मजदूरों से काम करवाना, काम तो पता चले क्या है काम। तो काम कहां से मिलेगा, जहां काम हो रहा होगा वहां से काम पता चलेगा। तो पढ़ते हैं सवाल, सवाल में कहां काम हो रहा है, कहां गया सवाल हमारा, हाँ ये रहा सवाल, है ना। क्वेश्चन में कहां काम हो रहा है वहां से काम आपको पता चलेगा, है ना। तो स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, तो उसमें लिखा है कि 16 men + 10 women, 16 आदमी + 10 महिलाएं मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, है ना। वर्क यही कहानी है, यही कहानी, यही पूरी है ना, ये वर्क ही तो है। एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये वर्क ही तो है ना। तो सवाल में क्या बोला गया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच, थ्योरी और मेथड और ट्रिक्स नहीं, हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल चीजें। समझ आई बात, उसके बाद मेथड और थ्योरी आएगी, है ना, प्रैक्टिकल। तो कहां काम हो रहा है, कहां काम हो रहा है, 16 आदमी 10 महिलाएं मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं, ये देखो यहां काम हो रहा है। तो क्या दिया है कि भैया 16 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं। एक तो यहां काम हो रहा है, एक और जगह कहां काम हो रहा है, ये वाली कंडीशन, ये एक और जगह काम हो रहा है, और तीसरी जगह का हमें निकालना था। एक और कंडीशन क्या दिया है सवाल में, 20 पुरुष और 40 महिलाएं, 20 men + 40 women, है ना, 20 men + 40 women, ये लोग कितने टाइम में काम को कर देते हैं, 6 दिन में, है ना, 6 days, क्लियर, 6 दिन, है ना। आप जानते हो ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसका रिजल्ट बताओ वर्क है कि नहीं है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसका रिजल्ट बताओ वर्क है कि नहीं है, है ना। और ये दोनों ही वर्क समान है कि नहीं है, क्योंकि एक ही काम हो रहा है, वही काम यहां भी हो रहा है यहां भी हो रहा है। तो बताइए वर्क का वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ,
काम हुआ कि नहीं हुआ है बताओ आप मेरे को। तो वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो वर्क का मान, ये सर्कल वर्क का वैल्यू है कि नहीं है, ये सर्कल भी वर्क का वैल्यू है कि नहीं है। अब हमें वर्क का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, वर्क का संख्यात्मक मान निकालने के लिए एम और डब्ल्यू का वैल्यू यहां रखना पड़ेगा। ध्यान देना, ध्यान देना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या है, क्या तरीका है, कहां से स्टार्ट करेंगे कि क्या निकालना है, सवाल ने मांगा क्या है, क्या मांगा है। सवाल ने यह मांगा है कि ये मजदूर काम को कितने समय में करेंगे। अब समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम आ जाएगा। अब यदि आंसर निकालना तो W का वैल्यू यहां लगाना पड़ेगा, एफिशिएंसी, इन लोगों की एफिशिएंसी का वैल्यू यहां लगाना पड़ेगा। समझ आई बात आप लोगों को? तो अब जो जो जरूरत पड़ेगी वो चीजें हमें सवाल के अंदर जाकर उसको पढ़ के ढूंढना है, फाइंड करना है। ढूंढो वर्क कहां है, वर्क ढूंढो, जहां सवाल में काम हो रहा होगा वहां से काम का वैल्यू मिलेगा, वो काम का वैल्यू यहां लगाएंगे। तो सवाल में काम कहां हो रहा है, ये यहां काम हुआ, यहां काम हुआ। अब हमें चाहिए कि काम का संख्यात्मक मान लगाना है ना, तो काम का न्यूमेरिकल वैल्यू तब निकलेगा जब एम और डब्ल्यू का वैल्यू हम यहां पुटअप करेंगे। एम और डब्ल्यू का वैल्यू जब हम यहां लगाएंगे तब जाके इसका न्यूमेरिकल रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, संख्यात्मक मान। तो वही कहानी, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, इसको LHS RHS मानकर हम एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे। ये देखो यहां निकाला था LHS RHS मानकर एम और डब्ल्यू का वैल्यू, तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू 5 और 3 आया था कि नहीं आया था। सीधे लिख रहा हूं, जैसे इसको हल किया था वैसे ही हल करेंगे, है ना। तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू, एम का वैल्यू 5 और डब्ल्यू का वैल्यू क्या आया, 3, है ना। इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, एम का वैल्यू 5 और डब्ल्यू का वैल्यू 3, ठीक है। जितनी जल्दी ये वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। समझ आई बात, रख दू एम 5 और डब्ल्यू 3 आ जाएगा यहां से वर्क का वैल्यू जो हम यहां रखेंगे। समझ आई बात, तो एम 5 और डब्ल्यू 3, है ना। 80 और 30 110, 110 इंटू 12 ये आएगा क्या वर्क, यहां रख लोगे तो भी सेम आएगा, है ना। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ऊपर समझाया था मैंने, 110 इंटू 12। तो वर्क का वैल्यू क्या रख दोगे आप, 110 इंटू 12, बोलो समझे कि नहीं समझे। मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हो लेकिन नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो उसको ओपन ही रहने देना, क्यों मल्टीप्लाई करें, कैंसिल ही करना नीचे से हमें। अब एफिशिएंसी, इन मजदूरों की एफिशिएंसी, तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू यहां रखोगे तो इनकी एफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। मैंने बताया ना एम और डब्ल्यू क्या है, एम और डब्ल्यू, एम का एफिशिएंसी और डब्ल्यू का एफिशिएंसी क्षमता है कि नहीं है, है ना। तो एम का वैल्यू 5 और डब्ल्यू का वैल्यू 3 यहां रख दो आप, 5 और डब्ल्यू 3, है ना। तो 15 और 9 24, तो बताइए इन मजदूरों की एफिशिएंसी 24 बनी कि नहीं बनी। एम का वैल्यू 5, डब्ल्यू का वैल्यू 3, है ना, तो इन मजदूरों की एफिशिएंसी क्या बनी, 24, है ना। तो 12 दूनी 24 और 2 से 110 55 बार, बताइए 55 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। इतने सी बात, इधर भी देखो 55 आंसर आया था कि नहीं आया था। तो आपको समझ में आया क्या मेथड है ये, ये दोनों मेथड पे आपका रिदम बनना चाहिए, है ना। ऊपर वाली मेथड भी हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए और नीचे वाली मेथड भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ऊपर वाले मेथड में इक्वेशन बनाओ, देखो क्या है कहानी। फिर भी मैं आपको एक स्टेटमेंट जरूर दूंगा, ये दोनों मेथड एक ही जैसी, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। एम ओ डब्ल्यू का मान यहां भी आपने निकाला था उसी प्रकार से, एम ओ डब्ल्यू का मान यहां भी आपने निकाला उसी प्रकार से। समझ आई बात, सॉल्व करके, यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहां पर सॉल्व करके बता दिया मैंने। तो एम ओ डब्ल्यू का वैल्यू आपको यहां भी निकालना उसी प्रकार से और एम ओ डब्ल्यू का वैल्यू आपको यहां भी निकालना उसी प्रकार से। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतने सी बात आप लोग क्लियर है, इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। तो कहने का मतलब वही काम वहां भी कर रहे हैं यहां भी कर रहे हैं, बस चीजों को लेने का तरीका लगे, लेकिन ये लेने के तरीके से ही आगे चीजें बदलेंगी जब टफ क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंस है दोनों का अलग अलग। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो नीचे वाली मेथड समझ में, क्या निकालना है, क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, वहां से इनिशिएट करते हैं। तो यहां से इनिशिएट करना भी ईजी है, वर्क अपॉन एफिशियंसी, बस वर्क और एफिशियंसी। अब सवाल को पढ़ के ढूंढ लो, इजी हो जाएगा सवाल को अंडरस्टैंड करना, सवाल को समझना, है ना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं एक और, है ना, अगले सवाल पे आते, रफ कर लेता हूं इसको, है ना। रिपीट करके देखो वीडियो को, सब समझ में आएगा, है ना। आज मैं होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क मेरे को चाहिए आपसे, है ना, अगले दिन, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ एक मिनट, है ना, अगला सवाल, अगला सवाल है आपका मेन पीडीएफ का, मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर। चलिए मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, वही चीज एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, है ना, क्लियर है ना। अब आगे क्या बोला, अगर ए अपनी क्षमता आधा गुना, यहां ए क्या है, ए की क्षमता ही है ना, यहां ए क्या है, ए की एफिशिएंसी कोई दर्शा रहा ना ए यहां पर। अब आगे क्या बोला सवाल ने, यदि ए अपनी क्षमता आधी कर ले, ए बटा दो, प्लस बी अपनी क्षमता 5 गुना कर ले, बी यानी कि बी की एफिशिएंसी ही है ये बी, तो बी अपनी क्षमता 5 गुना कर ले, है ना, तो काम कितने टाइम में हो जाएगा, क्या बोला, 5 दिन में। ये क्वेश्चन है ना, पीडीएफ दी है आपको, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं मेन पीडीएफ का, क्लियर है ना। अब पूछा है बी अकेला इसी काम को कितने समय में करेगा, तो मान लेते बी अकेला इसी काम को एक्स टाइम में करेगा, क्लियर। कुछ नहीं करना है यार, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, ये एलएचएस हो गया आपका, ये आरएचएस हो गया, है ना, इसमें से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, यहां डालेंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए ए और बी का वैल्यू निकाले, देखिए जरा एलएचएस में ए कितने हैं, 5 और 10 को काट भी सकते हो, 5 दूनी 10, काट के भी ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं काटोगे तो भी आएगा, मैं नहीं काट रहा हूं, आप काट के कर लेना, है ना। देखो एलएचएस में ए की संख्या कितनी, 10 ए, और आरएचएस में ए कितने, 2.5, 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 बटा 2 2.5 आएगा, 2.5 है, इधर 10 ए इधर 2.5 ए, 10 में से 2.5, 10 में से 2.5 माइनस होगा, 7.5 ए बचेगा, बराबर। चलिए बी की बात कर लेते हैं ना, ठीक है, इधर बी कितने, 10, इधर बी कितने, 25, इधर 10 बी है और इधर 5 25 बी, 25 बी में से 10 भी जाके माइनस होगा, 15 भी आएगा, आप ही देखो ए और बी का वैल्यू आ गया क्या, 15/7.5, है ना, 2/1 आएगा, तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 आया क्या, है ना, 7.5 से 2 बार जाएगा ये, तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1, चलिए रख देते हैं ना, ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल, 3 सर्कल है हमारे पास, है ना। अब आप देखो जरा, हमें x का वैल्यू निकालना है तो ये सर्कल लेना तो कंपलसरी है, अब इन दोनों में से कोई भी एक ले लें क्योंकि दोनों बराबर आएंगे, पिछले सवाल मैंने समझाया थी ये चीज आप लोगों को, है ना, ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी ले लें, अब जो इजी दिखे उसको लेना, इससे भी वही रिजल्ट आएगा, इससे भी वही रिजल्ट आएगा, जो जो इजी है उसको लेके नहीं ले, कौन इजी दिख रहा है, ये इजी दिख रहा है, इसको मत लो, इसको लेते हैं ना, इसको लेते हैं, ए और बी का वैल्यू 2 और 1 लगाते हैं, ए की जगह 2 लगाओगे और बी की जगह 1 लगाओगे, 3 × 10 30 आएगा टोटल, 30, और इधर बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, 1 × x आएगा क्या, इन दोनों को बराबर रखोगे तो x बराबर 30, बताओ आंसर आया कि नहीं आया, बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात आप लोग, क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब एक और मेथड, दूसरी मेथड, सेकंड मेथड, है ना, ध्यान देना, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड मेथड की, मैंने दोनों मेथड के बारे में डिस्कशन किया था पिछले सवाल में भी, इसमें भी करूंगा, सेकंड मेथड यानी कि वो मेथड जहां निकालना क्या है, सवाल में फाइंड क्या करना है वहां से स्टार्ट करते हैं, तो क्या निकालना है सवाल में, बी कितने टाइम में करेगा, बी, या फिर पढ़ लो सवाल में आप, क्वेश्चन नंबर 5 मेन पीडीएफ का, है ना, क्या निकालना है, ये निकालना है कि बी अकेला काम को कितने समय में करेगा, आप जानते हो समय कार्य बटा क्षमता से आएगा, टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम का वैल्यू आ जाएगा, तो बी कितने समय में करेगा, तो समय कार्य बटा क्षमता से आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। चलिए वर्क ढूंढते हैं और एफिशिएंसी ढूंढते हैं, पहले वर्क ढूंढते हैं, वर्क वहां से मिलेगा जहां सवाल में वर्क हो रहा होगा, तो सवाल में कहां वर्क हो रहा है, सवाल को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, और कहां काम हो रहा है, यदि ए क्षमता आधी कर ले, बी 5 गुना कर ले तो 5 दिन, ये भी तो वर्क ही है ना, ए क्षमता आधा कर ले और बी 5 गुना कर ले, है ना, बी 5 गुना कर ले, क्लियर, तो कितना टाइम लगेगा, 5, है ना, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी एंड रिजल्ट इज वर्क, बताइए वर्क को दर्शा रहे किन दर्शा रहे, दोनों, ये भी वर्क को बता रहा है, ये भी वर्क को बता रहा है, क्लियर है ना। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बताइए ए और बी का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व किया था, ए और बी का वैल्यू 2 और 1 आया था कि नहीं आया था, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा, अब ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1 लगाओगे तो वर्क का वैल्यू, ये देखो वर्क का वैल्यू, इधर से मत निकालो, वर्क का वैल्यू टफ कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर वही आएगा, तो ए का वैल्यू 2 बी का वैल्यू 1, बताइए वर्क का वैल्यू 30 आया कि नहीं आया, 2+1 3×10 30, तो वर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30, और एफिशिएंसी किसकी, कौन काम कर रहा है, बी, बी काम कर रहा है तो क्षमता भी तो बी की काम करेगी ना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी, देखो जरा बी की एफिशिएंसी 1 है क्या, तो 30/1, बताइए 30 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, दोनों मेथड साथ साथ चला रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में मेरे को दोनों मेथड सेट कर,
करना है, समझ आई बात? अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, समझ आई बात? दोनों मेथड हमें क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, है ना, रिपीट करके देखो इसको आप। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल है ना, बताता हूं मैं, है ना। मेन पीडीएफ से कौन सा क्वेश्चन नंबर है मैं आपको ध्यान दिला देता हूं, एक मिनट। मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 7, मेन पीडीएफ का टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं करवा रहा हूं, है ना। मेन पीडीएफ का टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 7 मेन पीडीएफ में, क्वेश्चन नंबर 7 पे 17 लिखा है बाय मिस्टेक, मेन पीडीएफ में 7वें नंबर पे 17 लिखा है बाय मिस्टेक, तो 17 नहीं है वो 7 है, है ना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में रीड करता हूं, ठीक है। ए तथा भी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ए तथा, तथा का मतलब दोनों मिलकर, ए तथा बी मिलकर काम को 30 दिन में कर सकते हैं, क्लियर, 30 दिन में कर सकते हैं। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। आगे आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, है ना। आगे क्या लिखा है, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते, दोनों ए और बी दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट किए, है ना। चलिए, ए और बी दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 15 दिन बाद ये छोड़ देता है, यानी कि दोनों ने मिलकर 15 दिन ही कर पाए, 15 दिन बाद ये छोड़ के चला गया। क्यों चला गया? शायद ए और बी का झगड़ा हो गया हो, आपस में फाइट हो गई हो इन दोनों की, है ना, तो ए छोड़ के चला गया। हम जानते हैं कि दोनों मिलकर के तो काम पूरा करने में 30 दिन लगता है, क्वेश्चन में ही बताया गया कि दोनों मिलकर के तो काम करने में 30 दिन लगता है और दोनों मिलकर के केवल 15 दिन किए हैं, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है ना, इतना कॉमन सेंस है, क्योंकि दोनों मिलकर 30 दिन लगता, 15 दिन में काम पूरा नहीं हुआ, प्लस में अभी और काम बाकी है कि नहीं है, तब जाके हमारा वर्क पूरा होगा, सर्कल पूरा होगा, इतना कॉमन सेंस है हमें, ठीक है। और ए छोड़ के गया, तो बताइए प्लस में शेष काम बी अकेले ने किया, बी अकेले ने कितने दिन किया ये तो नहीं पता, लेकिन इस प्रकार टोटल 35 दिन लगे काम पूरा होने में, लिखा हुआ है ए काम छोड़ता था, काम 35 दिन में पूरा हो जाता है, 35 दिन में टोटल काम पूरा हुआ, यानी कि 35 में से, अब देखना 35 दिन में, ये क्वेश्चन ओरली भी हो जाएगा, एक शॉर्ट तरीका भी इसका बताता हूं, है ना। टोटल काम 35 दिन में हुआ, अब 35 में से 15 दिन गए, तो आप ही बताओ 20 दिन बचे कि नहीं बचे, ये तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ के इस प्रकार प्रेजेंट करना, ये आर्ट, ये कला आपको सीखना है, समझ आई बात, क्लियर है ना। चलो अब इसी काम को किससे करवाना है, हाँ क्वेश्चन में बोला है ए एक तिहाई काम कितने समय में करेगा, ए ए से पूरा काम नहीं करवाना, ए से पूरा काम नहीं करवाना, ए से एक तिहाई काम करवाना है, ए से कितना काम करवाना है, एक तिहाई। तो हम एक काम करते हैं, ए से पूरा काम करवा लेते हैं, फिर जो टाइम आएगा उसको 1/3 कर देंगे, क्योंकि 1/3 काम करने में 1/3 समय लगेगा। तो हम अभी निकाल लेते हैं कि ए पूरा काम कितने में करेगा, वो निकाल लेते हैं अभी, है ना, फिर जो भी समय आएगा उसको एक तिहाई कर देंगे। सवाल ने पूछा है कि एक तिहाई काम करने में कितना टाइम लगेगा, लिखा हुआ है ए को एक तिहाई काम करने में कितना टाइम लगेगा, समझ आई बात। तो ए से पूरा काम करवा लेते, जो भी समय आएगा उसको एक तिहाई कर देंगे, कुछ नहीं करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है और आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए ये LHS हो गया आपका और ये हो गया आपका RHS, इन दोनों को लेंगे और आंसर निकालेंगे। अब इधर ए कितने, 30, LHS में ए 30 है और RHS में ए केवल 15 है, यहां तो ए है ही नहीं ना, LHS में ए की संख्या 30 है और RHS में ए की संख्या 15 है, क्लियर। तो 30 में से 15 ए गए, तो बताइए 15 ए आएगा कि नहीं आएगा। अब बी की बात कर ले, बी की नंबर ऑफ बी, इधर 30 भी है और इधर 35 35 भी है, देखो 15 भी यहां है और 20 बार भी यहां है, 15 बार बी यहां है और 20 बार भी यहां, टोटल 35 भी है, इधर 30 भी है, इधर 35 भी है, 35 बी में से 30 भी घटेगा तो 5 बी आएगा। अब देखो a बाई बी की बात करोगे तो 5/15 यानी कि 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3, समझे बात को, तो इसको लेना कंपलसरी। इसके साथ एक काम करो, इसको ले लो, LHS RHS में से किसी एक को लेना होता है, तो ये बड़ा दिख रहा ना, इस छोटे वाले, इस सर्कल को ले लो और इसको ले लो ताकि x का वैल्यू निकल आए, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3 है ना, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 1, क्लियर है ना। तो 4 × 30 120 आएगा क्या, बराबर 1 × x आएगा, देखो x बराबर 120 आया कि नहीं आया, आंसर बोलो, समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात आप लोग, x बराबर 120 आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। अब दूसरी मेथड इस क्वेश्चन में है ना, सॉरी
x बराबर 120, लेकिन एक तिहाई काम करना है ना, वन थर्ड, एक तिहाई काम करने का टाइम भी तो एक तिहाई होगा, तो 120 बाई 3 40 आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। समझ गए, समझदार लोग हैं आप लोग। दूसरी मेथड वो मेथड है जिसमें निकालना क्या है, वहां से इनिशिएट करते हैं। क्या निकालना है, ए अकेला काम को कितने समय में करेगा। तो आप जानते हो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम आएगा कि नहीं आएगा। पूरा काम करने का समय निकाल लेते, जैसे यहां एक तिहाई किया था वैसे यहां भी वन थर्ड कर देंगे, है ना, क्लियर। चलिए तो सबसे पहले काम की बात करें, काम हो कहां रहा है, जहां से काम होगा, है ना, जहां से काम हुआ है सीधी सी बात है वहीं से तो काम का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात आप लोग, है ना। कहां काम हुआ, ये ए प्लस बी ने 30 दिन में किया काम, है ना, ए प्लस बी ने कितने दिन में किया काम, 30 दिन में। ये मेथड बता रहा हूं, इसके वाला एक और शॉर्ट तरीके से भी इसको कर सकते हो, भी बताऊंगा, है ना। ए प्लस बी कितने टाइम में करते हैं, 30 में। एफिशियंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, है ना, वर्क। और ये इक्वेशन एक और, यहां भी काम हुआ और यहां भी काम हुआ कि नहीं हुआ, ए प्लस बी इंटू 15 प्लस बी इंटू 20, है ना, कैसे लिखना ये तो आप जानते ही हो, है ना, क्लियर। अब ए और बी का वैल्यू यहां रखेंगे तो बताइए यहां से वर्क का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। अब ए और बी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर 3 आएगा, एलएचएस आरएचएस को सॉल्व करने पर, ए बराबर 1 और बी बराबर 3, तो ए बराबर 1 बी बराबर 3 रखोगे, 1 प्लस 3 4 इंटू 30, 120 वर्क आएगा कि नहीं आएगा, इसका रिजल्ट 120 आएगा कि नहीं आएगा, तो बताइए वर्क कितना आ गया आपका, 120। अब हम बात करें एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी, ए, तो बताइए ए की एफिशिएंसी 1 है कि नहीं है, ये 1, तो बताओ 120 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात, आंसर 120 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120, लेकिन 1/3 करेंगे तो 40 आंसर आएगा, क्योंकि 1/3 वर्क में कितना टाइम लगेगा, तो 1/3 वर्क में बताइए 40 टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, कर लोगे वैसे, है ना। अब इसी को एक और तरीके से उठा सकते थे इस कहानी को हम, देखिए इसको शॉर्ट में करते हैं, कैसे करते हैं, आपने इधर उधर कहीं देखा होगा, मैं बता देता हूं आपको, है ना। डायरेक्ट एक रिलेशन यहां से पिक किया जाता है, क्या रिलेशन पिक किया जाता है मैं आपको बता देता हूं, है ना। रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, है ना, अब सुनिएगा, ए प्लस बी ने 30 दिन में पूरा काम करते हैं, ए प्लस बी ने 15 दिन काम किया, तो बताओ ए प्लस बी का 15 दिन का काम बचा कि नहीं बचा यहां पे। ए और बी दोनों मिलके 30 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी ने 30 में से 15 दिन कर दिया, 30 में से यदि 15 दिन, ए और बी 30 दिन में पूरा काम करते हैं, यदि 30 दिन में से ए और बी ने 15 दिन कर दिया, तो बताइए ए और बी का 15 दिन का काम बचा कि नहीं बचा, यानी कि ए और बी का 15 दिन का काम बी ने 20 दिन में किया कि नहीं किया। ए और बी का 15 दिन का काम बी ने 20 दिन में किया कि नहीं किया बताओ। ये डायरेक्ट इक्वेशन कैच करते हैं, ऐसा आपने देखा होगा कई किताबों में या कई जगह आपने सॉल्यूशन में देखा होगा, तो मैं सारी चीजें आपके सामने रख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कहीं कुछ देखे आप, तो है ना ऐसा। तो ए प्लस बी 30 दिन में से 15 दिन कर दिए, तो ए प्लस बी का 15 दिन का काम बचा कि नहीं बचा, और वो ए प्लस बी का 15 दिन का काम बी ने 20 दिन में किया कि नहीं किया। कहने का मतलब ए प्लस बी का 15 दिन का काम बराबर बी का 20 दिन का काम, ए प्लस बी का 15 दिन का काम बराबर बी का 20 दिन का काम। इससे होगा क्या, इससे ए और बी का वैल्यू थोड़ा शॉर्ट में निकल आएगा, जल्दी निकल आएगा। ये एलएचएस आरएचएस बड़े थे ना, ये एलएचएस आरएचएस छोटे, इससे ए और बी का वैल्यू जल्दी आ जाएगा। कुछ नहीं है, इसी इक्वेशन का सेकंड स्टेप है, देखो यहां 30 बार ए प्लस बी है, 30 बार ए प्लस बी में से 15 बार ए प्लस बी जाके इधर घटेगा, 30 बार a प्लस b में से 15 बार a प्लस b इधर से जाके घटेगा, तो 30 बार a प्लस b में से जब 15 बार a प्लस b जाके घटेगा, तो इधर 15 बार a प्लस b बचेगा कि नहीं बचेगा, 15 बार a प्लस b के बराबर केवल 20 भी आएगा कि नहीं आएगा, 15 बार a प्लस b के बराबर 20 भी आएगा कि नहीं आएगा। बात वही है कि इधर से भी कान पकड़ो, ठीक है। तो यहां से a और b का वैल्यू आप निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करोगे ना, तो a और b का वैल्यू आ जाएगा 1/3, कर लेना सॉल्व, है ना, क्लियर। 15 a है, 15 a और उधर 5 b हो जाएगा, तो वही हो जाएगा 1/3, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 3, है ना। तो ए की एफिशिएंसी तो आ गई 1, है ना। अब वर्क चाहिए, यहां से वर्क नहीं आएगा, ए प्लस बी 30 दिन करेंगे तब जाके वर्क बनेगा, 15 दिन में वर्क नहीं बनेगा, वर्क आपको अलग से करना पड़ेगा कि ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में, यहां से बनेगा वर्क। तो ए और बी का वैल्यू रखो 1/3, आएगा 120 वर्क, तो यहां रख दो आप वर्क 120, तो 120 बाई 1 बताओ 120 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। एक तिहाई के लिए वो 40 आंसर हो जाएगा।
बोलो समझे कि नहीं समझे सारी कहानी। तो आज की क्लास बस हमारी इतनी ही थी। अब मैं आपको आज की क्लास के बेसिस पर होमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस पीडीएफ में से वो होमवर्क आपको करके लाना है ना, और शीट के पीछे आपको आंसर शीट मिल जाएगी, क्लियर है ना। तो अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन आज ही खत्म करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है ना। तो आज की क्लास के बेसिस पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके लाना है ये मैं आपको बताता हूं, है ना। देखो प्रैक्टिस पीडीएफ में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको आज की क्लास के बेसिस पर करके लाना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में उठाना सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। जिस सीक्वेंस में मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में उठाना सॉल्व करने के लिए, तो इजी रहेगा। वैसे कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूं आपको कौन कौन से करने हैं आज की क्लास के बेसिस पर, क्लियर। हाँ तो देखिए अब यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको देता हूं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस पीडीएफ में से कौन कौन से आपको करके लाना है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रैक्टिस पीडीएफ में से ना कौन कौन से क्वेश्चन करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, 11, 12 के बाद 14 है ना, फिर 13, फिर 11 है ना, 12, 14, 13, 11, ठीक है, 12, 14, 13, 11, ठीक है। इसके बाद आपको करना है 10, 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। आज का होमवर्क है आपका, ध्यान रखिएगा, है ना। 12, 14, 13, 11, 10, 9 है ना, ठीक है। 9 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है आज की क्लास के बेसिस पर, है ना। इसके बाद आपको करना है, इसके बाद आपको करना है 6, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक है। 6 के बाद आपको करना है 5, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 5 है ना, 5 के बाद आपको करना है, एक मिनट, है ना, 12, 14, 13, ठीक है ना। 28 करना है ना, 28 के बाद और मैं बताता हूँ आपको, है ना। 30, क्वेश्चन नंबर 30 करना है ना, ठीक है। 30 के बाद बस, ये क्वेश्चन से प्रैक्टिस पीडीएफ में से आपका होमवर्क है ना, प्रैक्टिस पीडीएफ में से ये होमवर्क है आप लोगों का, क्लियर है ना। ये होमवर्क आप लोगों को करके लाना है, क्लास को रिपीट कर करके देखिए, सब समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन से आज हमने इनिशिएट किया, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आज की क्लास में उसको रिपीट कर करके देखना है, और आज ही के दिन आपको ये क्वेश्चन एनी हाउ एंड करना, ये टारगेट आप लोग रखिए। समझ में आई इतनी सी बात सभी को, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को, क्लियर। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, क्लियर। हर दिन बड़ा इफेक्टिवली पढ़ेंगे, कल हमारी क्लास में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों को ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है, उस मेथड पर थोड़ा सा अपना रिदम बना लेंगे ना, तो कल जो क्वेश्चंस का लेवल टफ होगा वो करना बहुत ईजी होगा, बहुत शानदार तरीके से इसी तरह हम पढ़ेंगे। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, आज क्लास यही एंड करते हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।